हां जी, सो गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज करने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त मजा GTA 5 में करने वाले डिफेंडर के साथ ऑफ रोडिंग। हां जी गाइस, डिफेंडर के साथ ऑफ रोडिंग करने वाले। मेरे पास कमेंट आया था भाई का, मैं पिन कर दूंगा, आप चेक कर लेना, ठीक है ना। इतना जबरदस्त गाइस मजा आया आज तो डिफेंडर की ऑफ रोडिंग करके। मैंने कर लिया वीडियो शूट, ठीक है ना, जरूर से गाइस चेक करना, बहुत मजा आने वाला है। और आप अगली वीडियो में, मतलब आप कौन सी गाड़ी देखना चाहते हो, किसके साथ मैं ऑफ रोडिंग करूं, वो मेरे को जरूर से मेंशन कर देना। मेरा पर्सनली, मैंने लैंड क्रूजर V8 इंजन जिसमें आता है उसके साथ मैं ऑफ रोडिंग टेस्ट करूं। तो गाइस एक बार मेरे को कमेंट करके बता देना कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए कि जिसके साथ मैं ऑफ रोडिंग ट्राई करूं, ठीक है ना। मैं फॉर्चुनर के साथ कर चुका हूं, डिफेंडर आपको आज देख ही लोगे, ठीक है ना। बाकी रोल्स रॉयस करीनन भी अपने पास बकेट लिस्ट में, वो सारी चीज आप मेरे को बता देना कमेंट करके। बाकी गाइस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आज होने वाला जो गेम प्ले, आज के हम जो भी गेम प्ले करते हैं GTA 5 में ड्राइविंग का, वो करते हैं लॉजिटेक G29 स्टेयरिंग व्हील के साथ। तो उससे जो है मजा बिल्कुल 10 गुना हो जाता है, आपको बहुत मजा आएगा। वीडियो में बहुत जबरदस्त वीडियो बनी है, और गाइस डिफेंडर की परफॉर्मेंस देख के भी आपको जबरदस्त मजा आ जाएगा। ब्लैक कलर की अपन ने डिफेंडर इंपोर्ट करवाई है सिमियन से कह के, और उससे हम लेकर आए हैं, और आज इसकी ऑफ रोडिंग में पूरी परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाले हैं। वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना, दोबारा से तारू चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को अच्छी लगे एंड तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाना। तो फटाफट से बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और आप बिल्कुल मजे से एंजॉय करो कि कैसा रहा इसकी परफॉर्मेंस। हाँ जी, सो गाइस फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी ऑफ रोडिंग, ठीक है ना। तो गाइस अभी हम लेके चल रहे हैं अपनी फटाफट डिफेंडर को, तो अपने इसमें एंटर कर जाते हैं। और गाइस गाड़ी एक बार पहले चेक कर लो, प्रॉपर जेन्युइन लुक रहने वाली है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, बहुत जबरदस्त रहने वाली है। अंदर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे प्रॉपर आपको बैजिंग मिल जाएगी डिफेंडर की, और जबरदस्त इंटीरियर रहने वाला है गाइस, जबरदस्त चीज रहने वाली है, ठीक है ना। तो फटाफट से गाइज अपनी जो है वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और गाड़ी को भी कर लेते हैं स्टार्ट। तो पहले लगा लेते हैं अपन एक मार्क कि कैसे कैसे जाना है अपने को, ठीक है ना। तो अपने को गाइज अपन दोबारा से जाएंगे माउंट चिलियार्ड की यहाँ पे टॉप तक, लेकिन पहले अपन चलते हैं यहाँ पे मेन रोड तक, ठीक है ना। तो करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। चलो जी, गाड़ी हो गई है स्टार्ट, और गाइज इसकी एक बार पहले आवाज सुन लो, बहुत जेन्युइन है। ये देखो बहुत जेन्युइन बूस्ट रहने वाला है, ठीक है ना। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, अपने को बैक साइड से जाना है इसकी। और गाइस जैसा कि आपको पता है विंटर्स चल रही हैं, तो स्नो में ऑफ रोडिंग का डिफेंडर का एक अलग ही मजा आएगा, ठीक है ना। थोड़ी सी स्लिप भी मार रही है भाई साहब, गाड़ी तो स्लिप मार रही है भाई। इसे आराम से चलाना पड़ेगा भाई। सो गाइस डिफेंडर जो अपन पहली बार ही चला रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है मैंने सिमियन से कह के मंगाई थी ये वाली गाड़ी। चलो गाइज, एक तो लोग इतने बेवकूफ हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। हाँ जी, सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा ना चढ़ाई वाला इलाका रह रहा है, तो धीरे धीरे अपन चल रहे हैं, देख सकते हैं इसके गियर बॉक्स में क्या दिख रहा है। और बाकी गाइज आप मेरे को नेक्स्ट गाड़ी कमेंट करके बताना। डिफेंडर गाइज मैंने इसलिए मंगवाई क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था, ठीक है ना, आप चेक कर लेना वीडियो पे कमेंट आया था डिफेंडर प्लीज करके, पता नहीं मेरे को नाम नहीं पता भाई किस भाई ने कमेंट करा था हमारे, तो एक बार आप बता देना अबे क्या है इसे। चलो हट जाए यार, चलो ठीक है ना। बाकी गाइस बर्फ एकदम बढ़िया पड़ी रही है, और हल्की हल्की स्नोफॉल भी अभी चल रही है, ठीक है ना। तो मजा तो पूरा आ रहा है गाड़ी, लेकिन भाई साहब थोड़ी सी झोल खा रही है, लेकिन आराम से चलते हैं। अभी तो 4.1 माइल्स का रास्ता है, तो आराम से चलते हैं, तो फटाफट से हाईवे तक पहुँचते हैं, ठीक है ना। और मेन जो है ना अपनी ऑफ रोडिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे, उसमें ज़्यादा मजा आएगा। यहाँ तो मैं फटाफट थोड़ा जो है चला रहा हूँ, मेन तो इसकी जो परफॉर्मेंस अपने को पता चलेगी ना, वो अपने को पता चलेगी मेन हाईवे पे, ये देखो। लेकिन हाँ थोड़ा सा देखो भाई स्लिप मार रही है, झोल खा रही है, ये हट जाओ है। चलो ये थार ले लेके आ जाएंगे बेटे, अबे डिफेंडर है भैया तुम्हारे से 3 गुना रेट की है। देख सकते हो अपन यहाँ पे मेन रोड तक तो आ ही चुके हैं, ठीक है ना, अब आगे चल रहे हैं यहाँ पे देखो, और मजा आ रहा है भाई साहब। ये देखो टर्बो, देखो भाई साहब प्रॉपर, ये भाई साहब जेन्युइन, ये देखो गाड़ी भाई साहब, लेकिन एक नंबर गाड़ी रह। यार यहाँ पे तो कसम से बिल्कुल ही साले, क्या बोलूं यार, बिल्कुल ही वाहियात लोग है यार। और अपनी लोकेशन तक गाइज ऑलमोस्ट अपन पहुंचने वाले हैं, ठीक है ना, और मेन ऑफ रोडिंग तो वहीं से शुरू होगी। ये देख साले दो पहिए ले लेके चल देंगे, और जरा सी स्लिप मार गई, हो गया साला कल्याण जिंदगी का, हट जा टम्पू, लुक आउट। चलो हाँ, तो गाइज अपनी लोकेशन तक तो आ गए हैं, बच गई। चलो
ठीक है ना, अब अपन लगा लेंगे यहाँ तक की नेविगेशन। थोड़ा सा और रास्ता है मेन रोड का ही, कोई बात नहीं, भी कर लेंगे कवर, ठीक है ना। थोड़ा गाइस गाड़ी को ना मैं सोच रहा हूँ आराम आराम से चलाए यार, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी सी स्नो ज्यादा ही है। हाँ, तो यहाँ से हो रहा है गाइस अपना ऑफ रोडिंग का इलाका शुरू। तो जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपने फॉर्च्यूनर वाली वीडियो देखी है तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर देख लेना फॉर्च्यूनर वाली वीडियो। फॉर्च्यूनर के साथ तो हम ऑफ रोडिंग कर ही चुके हैं, ठीक है ना। बाकी आपको ऊपर लिंक भी दिख रहा होगा आई बटन में, ये देखो यहाँ पे चीते बीते भी, और ये साला ट्रक वाला यहाँ पे हमेशा मिलेगा इस समय बेवकूफ गंजा। तो गाइज यहाँ पे जो है ना, ये है यहाँ पे लकड़ी की फैक्ट्री, वुड फैक्ट्री है गाइज। ये जितना भी लॉस सेंटोस में जितना भी वुड का सारा सामान जाता है ना, वो यहीं से है। हिरण बगा, ये देख, ये टायर के नीचे आए बिना नहीं मानते, नहीं मानते। ये देखो जहां जहां मेरे को जाना है ना, वहीं वहीं आएगा ये। चलो कोई नहीं, अब यहाँ है ना, ये है मेन सामान शुरू हो गया अब अपना, ठीक है ना। अब मेन ऑफ रोडिंग गाइज अपनी स्टार्ट हो चुकी है, चेक कर लो। और तीसरे गियर पे मैं क्यों चला रहा हूँ, मैं दूसरे तक ही लेके जाऊंगा यार, क्योंकि इसमें पावर इतनी ज्यादा है गाड़ी में कि जरा सा एक्सेलरेशन फालतू हो गया ना तो लग जाएगी लंका, ठीक है ना। क्योंकि गाइज एक तो होता है गाड़ी फंसना, गाड़ी फंसी तो टो करा लेंगे, और गाड़ी है भी बहुत महंगी है, ठीक है ना। और गाइज इसके ऊपर से आप देख सकते हो सनरूफ, पैनारोमिक सनरूफ बहुत जेन्युइन लग रहा है इस लुक में। लेकिन इसका मेरे को हैंडलिंग सही लग रही है, लेकिन स्नो पे थोड़ी सी यार गाइज पता नहीं क्यों स्लिप मार रही है इतनी। मेरी फॉर्च्यूनर भी स्लिप नहीं मार रही थी, बच गई। या तो गाइज हो सकता है इसके टायर्स का फर्क हो, इसके टायर्स अभी क्या पता पुराने हो, सिम्योन ने चेंज ना कराया, तो ग्रिपिंग की थोड़ी हो सकता है इश्यू लग रहा होगा, ठीक है ना। और बाकी ब्लैक कलर में तो अपनी बिल्लो लगती ही जेन्युइन है। ओए आराम आराम से चल रहे हैं, थोड़ी सी स्नो उड़ती जा रही है धीरे धीरे। चढ़ तो गाइस बिल्कुल एक नंबर रही है, मतलब बिल्कुल बिना अटके एक नंबर स्मूथ पे चल रही है भाई साहब, बिल्कुल स्मूथ। जैसा अगर गाइस आपको पता है डिफेंडर में ना प्रॉपर स्नो मोड आता है, ठीक है ना, उसमें ना बिल्कुल एकदम बेटर परफॉर्मेंस हो जाती है, ऊपर से 4x4 और ट्रैक्शन कंट्रोल तो होता ही है। ये देखो अब यहाँ पे देखो कितने प्यार से चढ़ेगी गाड़ी, ये देखो एक बाड़ी में ये मस्ती से एकदम जबरदस्त। तो यार ऑफ रोडिंग में तो मतलब कसम से इसने मजा दिला दिया मेरे को, जबरदस्त गाड़ी है यार, डिफेंडर से ऑफ रोडिंग में मजा आ रहा है भाई कसम से। आराम से चढ़ो चढ़ो चढ़ो, देखो इसका टर्निंग रेडियस भी सही है, ग्राउंड क्लियरेंस तो है ही लाजवाब। और गाइस मेरे को भाई बता रहा हूँ, अगली गाड़ी आप कमेंट करते रहो कि अगली गाड़ी किसके साथ आपको चाहिए ऑफ रोडिंग में करके दिखाऊं, उसमें आपको और जबरदस्त मजा आएगा। आप अपनी मनपसंद की कोई भी गाड़ी बताओ, उसे लेकर आएंगे ऑफ रोडिंग कर ली ऑफ रोडिंग के लिए, क्योंकि मेरे प्लान में तो अगली जो है मैं सोच रहा हूँ लैंड क्रूजर के लिए लेकर आऊँ, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक लैंड क्रूजर कोई भी नहीं लेकर आया यहाँ तक ऊपर तक, ठीक है ना। बाकी लैंड क्रूजर और रेंज रोवर वेलार भी है मेरी लिस्ट में, बकेट लिस्ट में, तो मेरे को बता जरूर देना कि आपको कौन सी पसंद है। बाकी वो थोड़ा महंगा सौदा हो जाएगा, लेकिन हाँ मेरा मन बहुत ज्यादा है रोल्स रॉयस कलिनन यहाँ पे लेके आने का ऑफ रोडिंग पे, वो थोड़ा सा लेकिन हाँ महंगा सौदा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, देखते अगर थोड़ा सा भी उसका लगा ना कि हाँ हो जाएगा तो जरूर से लेकर आएंगे। मैं एक बार सिमियन से पूछ लूंगा कि इसमें ज्यादा कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं रहेगी, और बाकी परचेज भी करेंगे। बच गई थोड़ी सी ये वाला जो कट था, ये थोड़ा सा स्टीप था, चढ़ गई चढ़। तो गाइस देखो एक बारी मेरी हमारी फॉर्च्यूनर जो थी वो अटकी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत वो अटक रही थी, इतनी नहीं अटक रही थी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उसमें हमें पावर ज्यादा देनी पड़ रही थी। लेकिन इसमें ना जरा सी एक्सेलरेशन पे काम हो रहा है, आप ये देखो मतलब फर्स्ट गियर पे कितने आराम से, तो ये देखो 50-60 तो यूं ही पार कर रही है ये। और अरे भाई साहब बातों बातों में गाइस पता भी नहीं चला वी आर ऑन द टॉप ऑफ माउंट चिलियार्ड, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, अभी वीडियो को एंड नहीं करेंगे, तो अब ना इसे ना उतारते भी हैं यहाँ से, तो उसमें और मजा आएगा ऑफ रोडिंग से ना, कि ऊपर स्लोप पे तो चढ़ा तो देते हैं, अब उतरने पे क्या रिस्पॉन्स करती है, कितना स्लिप मारती है, क्योंकि गाइस वो भी एक फैक्टर है, तो वो भी मैं आज रिकॉर्ड करके आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या रहने वाला है, ठीक है ना। बाकी माउंट चिलियार्ड की टॉप तक तो हम आ गए हैं, ठीक है ना। एक बार आपको बाहर चल के मैं पूरा व्यू दिखा देता हूँ, ये देख लो भाई साहब हैवी स्नोफॉल हो रही है, ये देखो। तो यहाँ पे गाइस माउंटेन बाइकर्स आए हुए, और ये यहाँ का व्यू पॉइंट है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ से पूरा गाइस वो दिखता है, ये देखो कितनी ऊपर आए हुए भाई साहब, जबरदस्त।
ठीक है ना, यहाँ पे केबल कार वगैरह सारी चीजें, तो फटाफट से अपनी गाड़ी के पास ही चलते हैं और अब उसे नीचे लेके चलेंगे, उसमें और मजा आएगा। ये खड़ी देखो भाई साहब, डिफेंडर देखो भाई साहब, एक बार लुक देखो भाई साहब, जबरदस्त जबरदस्त रह गया भाई। आहा, ठीक है ना, एकदम जबरदस्त गाड़ी है। तो फटाफट से अपना गाड़ी में एंटर करते हैं और ऐसे अपना लेके चलते हैं नीचे की तरफ। यहाँ से लगा लेते हैं मार्क अपना वापसी मेन रोड तक का, तो जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से जाना पड़ेगा, तो मेरे को घुमानी पड़ेगी गाड़ी। ठीक है ना, गाड़ी एक बार यहाँ से थोड़ा सा चढ़ा के घुमा लेते हैं। यहाँ से थोड़ी सी कटनी मुश्किल लग रही है मेरे को, एक बार पीछे स्पेसिंग देख लो, वैसे तो पत्थर है, चढ़ जाएगी गाड़ी, चढ़ गई बस। यही तो फायदा है भाई ग्राउंड क्लियरेंस का। इसे ऊपर से घुमा लूं क्या, इसे यहां से घुमा लेता हूं मैं, यहाँ पे ना बड़े बड़े पत्थर अटक रहे, इसे हाँ यहां से घूमेगी ना बढ़िया से। चलो जी, हाँ ये है ना बढ़िया कट। चलो जी, आ गए रोड पे, ठीक है ना। अब ये है, ये देखो स्लोप देखो भाई साहब कितनी ऊपर चढ़ाई थी। अब हमें पूरा रास्ता पार करते हुए नीचे जाना है। आराम आराम से चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे, आराम आराम से चल ले। ये देख आया आया आ जाता अभी पहिए के नीचे हो जाता। ये लो जी, आराम आराम से चल रहे हैं गाइस, मैं बिल्कुल भी एक्सेलरेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैं बस आराम से फर्स्ट गियर पे गाड़ी डाल के बैठा हूँ और धीरे धीरे ब्रेक दबा रहा हूँ बस। मैं देखो यहाँ पे एक और ये शेर भगा, ये देखो भाई हट जा भैया, लुप्त हो जाएंगे साले। चलो जी, अबे भाई इसने क्या कसम खाई है मेरे को नीचे तक छोड़ के आएगा। ये वाला कट जरा आराम से, क्योंकि गाइस यहाँ पे ना लैंडस्लाइड हुई हुई है, तो मेरे को ना देखना पड़ेगा कि कहाँ से जाना है। हाँ यहीं से जाना है ना, थोड़ा सा आगे से कट मारते हैं, लगा 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 लग गया बच्चे, आराम से भैया पूरा घुमा दो गाड़ी को, पूरा घुमा दो। कट गई कट गई कट गई कट गई, टर्निंग रेडियस तो एकदम जबरदस्त है यार गाड़ी का। ये गाइस बार बार मेरे को हॉर्न इसलिए देना पड़ रहा है कि गलती से कोई पशु पक्षी जानवर वानवर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। ओ साइड से चढ़ानी पड़ेगी, अब स्टार्ट करते गाड़ी को। इधर से लेना पड़ेगा हमें मेरे ख्याल से, इधर हाँ इधर देखो गाइस, वो खाई हुई पूरी खाई है भाई साहब, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो पूरी खाई थी, अच्छा हुआ मैं यहाँ से नहीं आया भाई साहब, वरना हो जाता भारी नुकसान। चलो 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 चलो, देखो लोमड़ी पे कितने जानवर हैं यहाँ पे। चलो जी, ये देखो अब हमें यहाँ से भी दूसरा लेना पड़ेगा रास्ता, ये राइट वाला लेना पड़ेगा क्योंकि वहां पे तो सड़क टूटी हुई है। ये देखो पूरा लैंडस्लाइड हुआ हुआ भाई साहब, इधर बीच में से रास्ता ही टूटा हुआ है अपने बच्चे। चलो जी, परफॉर्मेंस तो यार बहुत जबरदस्त है गाड़ी की, परफॉर्मेंस में तो कोई कमी नहीं है। ये मैंने इंडिकेटर जला रखे हैं गलती से, बंद कर देता हूँ। दोबारा गाड़ी लेफ्ट से काटनी है क्या, यहाँ से काटनी है यहाँ से। ओ भाई साहब ये बहुत गंदा कट है यार, ये देखो गाइस एक पहिया हवा में है इसकी, एक पहिया हवा में भाई साहब, आराम आराम से उतार देंगे नीचे। हाँ ये वो ही ना बात, बिना टकराए बिना ठोकर खाए आराम से चलो। दोबारा हमें नीचे की तरफ से लेना है। अच्छा
यहाँ पे यार लैंडस्लाइड ना होती रहती है, और बाकी मौसम तो जेन्युइन हो ही रहा है। आ गए हैं नीचे ऑलमोस्ट, धीरे धीरे चढ़ रहे। चलो जी, तो गाइस डिफेंडर ने ऑफ रोडिंग में तो मतलब फाड़ दी भाई, सब जबरदस्त मजा आ गया, ठीक है ना। इसका मैं अभी टाइम नोट करूंगा कि इसने कितनी देर में ऑफ रोडिंग कम्प्लीट करी, क्योंकि मेरे ख्याल से फॉर्चुनर को तो 8-10 मिनट लगे थे, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे नहीं लगे उतने, ठीक है ना। वो अभी मैं टाइम चेक करूंगा, अभी जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा मैं एक बार चेक करूंगा कि इसमें को कितना समय लगा है, क्योंकि मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली डिफेंडर ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि वो और जल्दी चढ़ गई। बच गए। अरे यार ये पेड़ है इधर, थोड़ा सा इधर से काटनी पड़ेगी। काटो। बच गए गाइस, बिल्कुल टके पे रुकी, वरना पेड़ में टकर जाती ना तो दिक्कत हो जाती। राइट लेना है तो उससे पीछे से। अबे चलो, चलो 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 चलो। पर घास वास ज्यादा उग गई है, ये नीचे ट्रेन जा रही है। धीरे धीरे चल रहे हैं यार, चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। क्या बात की जल्दी है, पूरी ऑफ रोडिंग कर ली है, पूरी जिसे कहते हैं गाइस, पूरी ऑफ रोडिंग कर ली है। और मैंने आपको बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सड़क से, मतलब ऑफ रोडिंग से सड़क तक लाके भी दिखा दिया है, तो आप खुद देख लेना। आहा, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही भाई साहब डिफेंडर की तो, और इसका बूस्ट भी अलग ही है। हैंडलिंग तो है ही बढ़िया, बस वही है यार स्नो पे थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है इसका मामला, तो वो एक बार देखते क्या पता वो आया। कोई तो आया टायर के नीचे, नहीं मानोगे आया भाई, कोई तो आया है। ओ पुलिस आ रही है। चलो जी आ गए गाइस वापसी अपने हाईवे पे, तो अपन जा रहे हैं सीधा घर। तो वीडियो को गाइस लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और गाइस कमेंट करना मत भूलना कि आपको अगली वीडियो कौन सी पे चाहिए, आपको कौन सी चाहते हो कि अगली कौन सी हम बनाए, ऑफ रोडिंग के लिए बनाए या फिर ड्राइविंग के लिए बनाए, ठीक है ना। क्योंकि रोल्स रॉयस कलिमेन के साथ तो हम प्रैंक कर चुके हैं लॉस सैंटोस के लोगों के साथ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना तो गाइस आपने मतलब मजा आ जाएगा, वो वीडियो जरूर देखना, बहुत जबरदस्त वीडियो थी, ठीक है ना। तो इस वीडियो में गाइस फिर इतने रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गाड़ी लगा लेते एक बार साइड, उसके बाद एंड करेंगे वीडियो को, ठीक है ना। सो गाइस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच।